एनसीपी के नेता शरद पवार के करीबी जितेंद्र अहवाड़ कहते हैं कि भगवान राम मांसाहारी थे, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा है, हंटिंग विदाउट ईटिंग द फ्लैश ऑफ द एनिमल किल्ड इज द रूल इन द हंटिंग डन बाय अ किंग, यानी राजा राम का धर्म है बिना मांस खाए शिकार करना। अगला पढ़िए, हे माता आप तो जानती हैं कि कोई भी रघुवंशी न तो मांस का सेवन करता है और न ही मदिरा पीता है, और ठीक इसी तरह मेरे प्रभु श्री राम भी चारों समय उपवास करके पांचवें समय जंगली फल फूल और कंदमूल खाकर अपना समय गुजारते हैं। ये है वाल्मीकि रामायण से कोट्स, और वाल्मीकि रामायण से आप और कोट्स देख लीजिए जिसमें जब शूर्पणखा रावण को राम और लक्ष्मण के बारे में बताती है तो कहती है, फल और मूल ही उनका भोजन है, वे तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं, दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र और आपस में भाई भाई है, उनका नाम राम और लक्ष्मण है। अगला पढ़िए, हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं तथा सीता के साथ फल मूल का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में और ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। माँ सीता कहती हैं कि अगर आप यहाँ ठहर सके तो दो घड़ी विश्राम करें, अभी मेरे स्वामी जंगली फल फूल लेकर आते होंगे। लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं जंगल जाकर मीट छोड़ दूंगा, लेकिन उस कोट का, उस श्लोक का गलत अर्थ निकाला गया। उसका असली अर्थ अगर इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो ये है कि इंडीड फॉर 14 ईयर्स आई शेल एक्चुअली लिव इन अ लोनली फॉरेस्ट सबसिस्टिंग लाइक एस्केटिक्स ऑन बल्ब्स रूट्स एंड फ्रूट्स एंड गिविंग अप रॉयल फेयर। और कई लोग जो शब्द ममसा रामायण में यूज हुआ है उसका संस्कृत में गलत अर्थ निकालते हैं। उसका अगर इंग्लिश में आपको अर्थ बताऊं तो वो है एडिबल पल्प इनसाइड एनी फ्रूट और वेजिटेबल ममसा कहलाता है, सिर्फ वो पल्प इंसान और जानवर का ही नहीं होता है। लोग तो ये भी सवाल करते हैं कि माँ सीता ने प्रभु श्री राम को क्यों बोला था कि मेरे लिए हिरण ले आओ, तो उसका अर्थ हम निकालें तो ग्रंथ में देखिए कि माँ सीता प्रभु श्री राम से कहती हैं, आर्य पुत्र ये मृग बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है, महाभावो इसे ले आइए, ये हम लोगों के मन बहलावे के लिए रहेगा, और जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी और हम पुनः अपना राज्य पा लेंगे उस समय ये मृग हमारे अनंत पर की शोभा बढ़ाएगा। यानी वो उन्हें मारने के लिए नहीं कहती हैं बल्कि अपने साथ अयोध्या ले जाने के लिए कहती हैं। उसके बाद एनसीपी के नेता ने माफी मांगी, खेद जताया, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जरा एटीट्यूड देखिए। वाल्मीकि रामायण में 6 स्कंद है, कांड है, बाला कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। इसमें का जो अयोध्या कांड है उसका 52वां सर्ग जो है उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का, आप पढ़ लीजिए। बहुत जन का दिल दुखा है, लड़कियां उठाने लेने जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इससे का मतलब क्या होता है? मैं खेद व्यक्त करता हूँ और आपको भी पढ़ने के लिए देता हूँ, शाम को पढ़ के बताइए मुझे इसमें क्या है और ये मैंने लिखा है क्या। बीजेपी इस मामले को पुलिस तक ले गई है। लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे धर्मों का ऐसा अपमान करके देखो, नकुल शर्मा सबको याद है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे नेताओं का साथ क्यों देते हैं, और ये चीजें तब हो रही है जब 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन है। पूरे सोशल मीडिया पर इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं क्योंकि सनातन धर्म है, हिंदू सहन कर जाता है लेकिन और कोई ऐसा सहन नहीं करेगा। आप न्यूज 24 देखते रहिए, मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.